जय बाबा की। देखिए आज मैं बता रहा हूँ आपको कि होता क्या है कि हम लोग जो सपने देखते हैं उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। और अगर आपके घर में बंदिश हो गई है, आपके घर को बांध दिया गया है, आपके घर को कील दिया गया है, या आपके देवी देवताओं को बांध दिया गया है, या आपके ऊत पुत्रों को बांध दिया गया है, तो आपके सपने आपको बता देते हैं कि ऐसा हो रहा है। कोई भी शक्ति है, कोई भी ऊत पित्र हैं, देवी देवता हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो चुका है, हम बन चुके हैं, या आपके घर को कीला गया है, बांधा गया है किसी भी तामसिक क्रिया के द्वारा। तो वो सपने कौन कौन से होते हैं, उनसे कैसे कैसे आप पता चलते हैं, वो आज इस पूरी वीडियो में मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो बने रहिएगा और गुरु गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के इस प्यारे से चरण को सभी भक्तों तक पहुँचाइए। क्योंकि मैं फिर एक बार बता दूँ, ये चैनल किसी तरह के पैसे के लेन देन को मना करता है, पैसा नहीं मांगता। हाँ, ये ज़रूर बताता है कि अगर आपको कोई चीज़ की कमी है आपके जीवन में तो वो कैसे पूरी हो सकती है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय धाम हर की, जय बागड़ की सरकार तेरी सदा ही जो। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस रविवार को मैं आ नहीं पाया था लाइव, क्योंकि थोड़े स्वास्थ्य कारण थे। दूसरा, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पास फ़ोन आते हैं कि गुरुजी तबीयत ख़राब चल रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं कहता हूँ डॉक्टर को दिखाइए, तो कहते हैं कि डॉक्टर को दिखाने का मन नहीं है, या दिखा लिया सही नहीं हुआ, आप कर दो। भाई ऐसा नहीं होता है, कोई भी समस्या अगर आपको है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूर पड़ेगा। हाँ, साथ में आप जो है पूजा पाठ के माध्यम से उसमें शक्ति वर्क कर सकते हैं। पर अगर कोई भी शक्ति, कोई भी किसी भी वजह से आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई है, किसी भी वजह से, मैं ध्यान को सुनिएगा बात को, किसी भी वजह से अगर कोई बीमारी आपके शरीर में आ गई है तो उसका निवारण डॉक्टर की दवाई से ही होगा। पूजा पाठ से केवल उस दवाई का लगना और ना लगना ये निर्भर कर सकता है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, गुरु जी के पास कुछ ना है। अब हम खुद बीमार हैं, अगर हमारी तबीयत खुद की ख़राब है, आज हमसे बात कर रहे हैं, हमारी तबीयत खुद की ख़राब है, हम भी डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है? चलिए बात करते हैं सपनों की और घर के बांधने की। देखिए जहाँ तक बात है घर के बांधने की, तो मैं आपको बता दूँ कि ये होता है, आपको सपने आते हैं। अगर आपका घर बंधा हुआ है तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, आपको सपने में, अगर आपका घर किसी ने बांध दिया है तो आपके सपने में बड़े बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो शमशान में हों, या सफ़ेद कपड़ों में आपको बुजुर्ग दिखाई देंगे जो आपके आपसे दूर जा रहे हैं या आपको आवाज़ मार रहे हैं। अगर इस तरीके की कोई सपना आपको आता है तो समझ लीजिएगा कि आपके ऊत पितरों को बांध दिया गया है, ठीक है? अगर आपके देवी देवता, जिनको भी आप मानते हैं, कोई ईस्ट हैं आपके, अगर वो आपसे सपने में आकर कोई चीज़ मांग रहे हैं या आपसे कह रहे हैं कि हमारा ये कर वो कर, तो भी एक कंडीशन ये लगती है कि आपके घर पे कोई ना कोई बंदिश लगी है, तभी आपका देवता आपके सपनों में आया है। इसके अलावा अगर सपनों में आपके साथ कोई गलत क्रिया हो रही है, सपोज़ आप लेडीज़ हैं, तो अगर आपके साथ कोई पुरुष सपने में संभोग कर रहा है, या पुरुष हैं तो कोई स्त्री आपके साथ सपने में संभोग कर रही है, तो ये आपके घर की कीलन की वो होती है। इसका सीधा अर्थ है कि आपके घर को कील दिया गया है, आपके घर को बांध दिया गया है। सपने में संभोग होना, चाहे किसी भी परिस्थिति में होना, वो इसी का सबसे बड़ा सूचक है कि आपके घर के ऊपर विपदाई हुई है। शमशान में खुद को देखना, पर मरना नहीं है, देखना। आप अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं या शमशान में जा रहे हैं या कोई आपको बुला रहा है, तो ये भी इस बात का सूचक है कि आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर कोई बंदिश लगी हुई है, कोई टोना टोटका हुआ है। तो अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, अगर ये सब चीज़ें आपको सपने में दिखाई दे रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपके घर में बंदिश लगी है। एक और बता देता हूँ, आपको सपने में इन आदमी दिखाई देता है या औरत दिखाई देती है बिना कपड़ों के, निवस्त्र में, नंगी कंडीशन में, तो भी इसका मतलब यही है कि आपके घर पे बहुत बढ़िया वाली मसानी लगी हुई है, ताकत लगी हुई है, शमशानी शक्ति लगी हुई है। देखिए होता क्या है कि शक्ति कोई भी लगे,
होती देवी शक्ति है, बस उसका तरीका अलग होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग तामसिक ठीक है और मानसिक दो तरह की क्रिया करते हैं, तंत्र और मंत्र दो तरह की क्रिया होती है। अगर हम किसी देवी देवता को मंत्र से मनाएं, भक्ति से मनाएं, पूजा से मनाएं, तो वो सात्विक होता है, मांत्रिक होता है, देवी देवता के रूप में होता है। पर अगर उसी को हम तामसिक क्रिया जैसे बलि वगैरह दे के या उल्टी सीधी हरकतें करके मनाए, तो फिर वो तामसिक क्रिया में आता है और वो फिर राक्षस रूप में आता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। मनाया सब देवी देवता को ही जाता है, शक्तियाँ उन्हीं की होती हैं। तो अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। अगर आपके परिवार में परेशानी हो रही है, लगातार हो रही है, और आपको ये सपना आ रहा है, तो 100% आपके परिवार के ऊपर टोना टोटका हो चुका है और आपका परिवार बांधा जा चुका है, उसको किला जा चुका है, आपके देवी देवताओं को, आपके उत्पितरों को बांधा जा चुका है। अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसका काट क्या है, किस तरह से इसकी काट करनी है। ठीक है, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके भक्तों तक पहुँचें, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का कल्याण हो सके। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय धाम।